आज हम व्यवसाय अध्ययन में अध्याय 15 वित्तीय प्रबंध के बारे में बच्चों पढ़ेंगे। आज हम वित्तीय प्रबंध क्या है, हर व्यवसाय अपने व्यवसाय के लिए पूंजी की जो व्यवस्था करती है उसे ही वित्तीय प्रबंध कहते हैं। वित्तीय प्रबंध से आशय की बात करें तो सबसे पहले हम वित्तीय प्रबंध के अर्थ के बारे में देखते हैं। अर्थ में मैंने बताया कि इसका आशय किसका आशय, वित्तीय प्रबंध का आशय व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान करने, नियोजन करने और वित्तीय स्रोतों की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान करने तथा नियोजन करने और वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान करने, नियोजन करने, वित्तीय स्रोतों से पूंजी प्राप्त करने तथा उपलब्ध पूंजी का कुशलतम उपयोग करना ही वित्तीय प्रबंध कहलाता है। एक बार पुनः हम इस अर्थ को देखेंगे, इसमें एक एक पॉइंट को। सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है, व्यवसाय का वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान। यहाँ पर यह बात बता रहा है कि हमारी जो कंपनी है उसे कितने पैसे की आवश्यकता है, इसका पहले से अनुमान लगाना है। दूसरा चीज नियोजन करना, मतलब प्लानिंग करना कि हमें कैसे उस आवश्यकताओं को पूरा हम करेंगे। फिर वित्तीय स्रोतों से, वित्तीय स्रोत का मतलब होता है कि वह स्रोत जहाँ से हमें पैसे प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कंपनी जो होती है सबसे पहले अपने पूंजी एकत्रित करने के लिए आम जनता में अंश पत्रों का निर्गमन करती है और उसके माध्यम से उसे पूंजी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर कौन कौन से स्रोत है, जैसे अंश पत्र का निर्गमन करना या ऋण पत्र का निर्गमन करना, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट से लोन लेना, मतलब कोई भी प्रकार से हमें किस विधि से, किस स्रोत से, किस प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने कंपनी के लिए पूंजी एकत्रित कर सकते हैं उसे ही वित्तीय स्रोत कहते हैं। फिर उपलब्ध पूंजी का, अब हमने पूंजी प्राप्त कर लिया है, प्राप्त पूंजी का हम कुशलतम उपयोग करने से, मतलब जो हमें पूंजी मिल गई है उसको हम किस प्रकार अपने कंपनी में प्रयोग करें जिससे कि कंपनी का उत्पादन क्षमता बढ़े। तो यहाँ पर यह बात बताई गई है कि व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकता का पूर्वानुमान करना, नियोजन करना और वित्तीय स्रोतों से पूंजी प्राप्त करना और उपलब्ध पूंजी का कुशलतम उपयोग करना ही वित्तीय प्रबंध कहलाता है। यहाँ तक तो ये बच्चों हो गया वित्तीय प्रबंध का अर्थ। अब वित्तीय प्रबंध में कई व्यवसाय विद्वानों ने इसे अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। हम उनमें से एक विद्वान हार्वर्ड एवं उपटन की परिभाषा को हम लेते हैं। हार्वर्ड एवं उपटन ने वित्तीय प्रबंध की परिभाषा को बड़े ही सरलतम ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपनी परिभाषा में कहा कि वित्तीय प्रबंध से आशय वित्तीय कार्यों पर नियोजन, जो हम वित्त संबंधी कार्य करते हैं उस पर नियोजन एवं नियंत्रण कार्य को लागू करने से है। देखिए स्पष्ट इनकी परिभाषा क्या कह रही है कि वित्त संबंधी कार्यों का नियोजन और नियंत्रण कार्यों को लागू करने से वित्तीय प्रबंध का आशय है। मतलब इन्होंने क्या कहा, वित्तीय प्रबंध से आशय क्या है, वित्तीय कार्यों पर नियोजन, वित्त के संबंध में जो भी हम
करने के लिए योजना बनाते हैं, जो भी हम नियोजन का कार्य करते हैं वो, और नियंत्रण के कार्य को लागू करने से, और उसको हम किस तरह नियंत्रित करें, ये दो बातों को इन्होंने अपनी परिभाषा में बताया, वित्तीय संबंधी कार्यों का नियोजन और नियंत्रण। तो बच्चों ये तो हो गई वित्तीय प्रबंध का अर्थ, और यहाँ पर वित्तीय प्रबंध की परिभाषा आवर्त एवं उपचरण के अनुसार, एग्जाम में कभी कभी आता है कि आपको वित्तीय प्रबंध की परिभाषा आवर्त एवं उपचरण के अनुसार दीजिए, तो आपको यही परिभाषा लिखने हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इन्हीं परिभाषाओं और अर्थों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय प्रबंध के कौन कौन से उद्देश्य हैं, उस उद्देश्य पे हम चर्चा करते हैं। तो उद्देश्य मुख्य रूप से आप मान लें कि वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य व्यवसाय के लिए वित्त की व्यवस्था करना, ये तो मुख्य रूप से मान लेते हैं, लेकिन कुछ है और भी इसके उद्देश्य हैं जो हम इन्हें पॉइंटों के माध्यम से समझेंगे। पहला पॉइंट हमारा बनता है कोषों की व्यवस्था करना। जैसा कि मैंने कहा कि वित्तीय प्रबंध का पहला उद्देश्य है कि ये ध्यान देना है कि किस उपक्रम के लिए हम किस तरह पैसे की व्यवस्था करें, और ये चीज को भी ध्यान देना है कि कम से कम लागत में हमें अधिक से अधिक कोष की व्यवस्था हो जाए, पैसे की व्यवस्था हो जाए, इस बात का ध्यान इस पॉइंट में दिया जाता है। ये तो ठीक है कोष की व्यवस्था करना है, यानी पैसे की व्यवस्था करना, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि हम ऐसा कुछ प्रयास करें जिससे कि न्यूनतम लागत पर, कम से कम लागत पर हमें कोष की व्यवस्था हो जाए, पूंजी की व्यवस्था हो जाए। तो पहला हमारा उद्देश्य है कोषों की व्यवस्था करना। दूसरा उद्देश्य है लाभों को अधिकतम करना। हर फर्म का यही उद्देश्य होता है कि उसकी वार्षिक लाभ ज्यादा से ज्यादा हो। तो यहां भी यही बात स्पष्ट है कि ये उद्देश्य होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा, व्यवसाय का एक प्राकृतिक उद्देश्य होता है कि अधिक लाभ कमाना। हर व्यवसाय चाहता है, हर व्यवसायी चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाए, और ये ज्यादा से ज्यादा लाभ तभी कमा सकते हैं जब वो अपने दैनिक व्ययों का भुगतान में कटौती करते हैं, और भुगतान यानी कि व्यय के हिसाब से, व्यय की तुलना में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। जितना हमें लाभ प्राप्त हो रहा है उसके तुलना में कम व्यय होना चाहिए। जब कम खर्चा होगा तभी तो हमें अधिक लाभ होगा। कभी कभी क्या होता है, कोई वस्तु का कंपनी निर्माण करती है और निर्माण के दौरान उसकी लागत बढ़ जाती है, और बाजार में उसकी जो कीमत रखी जाती है उस कीमत पर वस्तु बाजार में नहीं बिकती है। तो इससे क्या होता है कि जब बिक्री कम होती है तो अधिक लाभ होने की संभावना ही नहीं। तो इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अधिक से अधिक लाभ करने के लिए उसकी उत्पादन क्षमता बढ़े और उत्पादन लागत कम हो। दूसरी इसकी उद्देश्य है ऊंची जोखिम से बचना। वर्तमान में व्यवसाय सदैव जोखिम पूर्ण रहता है। वित्तीय प्रबंध का ये उत्तरदायित्व है कि जोखिम को पहले से अनुमान लगा दे, पूर्वानुमान कर ले कि ये सब संकटें आ सकती है, ये संभावना हो सकती है, उन जोखिमों को पूरा करने के बाद या उन जोखिमों को दूर करने के लिए समुचित उपाय करना चाहिए। तो यह वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य यही है कि
जो भी व्यवसाय में ज्यादा से ज्यादा जो ऊंची जोखिम होती है उस जोखिम को पहले से अनुमानित करके और उसे दूर करने का उपाय करने का कार्य वित्तीय प्रबंध के माध्यम से किया जाता है। तो बच्चों आप इस पॉइंट में ये लिख सकते हैं कि वर्तमान क्षेत्र में वर्तमान जगत में व्यवसाय में बहुत ज्यादा जोखिम होती है। जोखिमों को हम पहले से पूर्वानुमान करके और उस जोखिम को कम करने का प्रयास करना चाहिए। और प्रयास करने का काम कौन करता है? वित्तीय प्रबंध। तो ये तो हो गया वित्त प्रबंध के तीसरे उद्देश्य यानी वित्त प्रबंध का उद्देश्य में तीसरा पॉइंट हो गया। ये पहला और ये दूसरा। अब हम इसके अगले पॉइंट में आते हैं लाभांश का भुगतान करना। देखिए वित्तीय प्रबंध का यह भी एक उद्देश्य है कि फर्म तथा अंशधारियों के मध्य जो लाभांश का उचित भुगतान करने का काम भी वित्तीय प्रबंध करता है। लाभांश तो आप जानते हो कि जो भी अंशधारी अंश कंपनी के खरीदते हैं और उस अंशों पे उन्हें जो लाभ मिलता है उसको लाभांश कहते हैं। और हर अंशधारी ये चाहता है कि कंपनी से समय समय पर उसका लाभांश उसे प्राप्त होता रहे। तो इस तरह से लाभांश प्राप्त करने या लाभांश का भुगतान करने का भी कार्य वित्तीय प्रबंध के माध्यम से होता है। लाभांश का भुगतान करने में एक बात ये भी बताई जाती है कि इसमें भुगतान का जो माध्यम है इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि लाभों का भुगतान और आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। लाभ का जो भी भुगतान है आवश्यकता के अनुरूप होने चाहिए। उचित भुगतान करना है लाभांशों का उचित भुगतान करने का कार्य वित्तीय प्रबंध का होता है। तो लाभांश का भुगतान करने के बाद आता है पांचवा उद्देश्य पूंजी बजट तैयार करना। देखिए पूंजी बजट तैयार करने से मतलब है होता क्या है? एक फर्म जो है वो चाहता है कि दीर्घकालीन वित्त व्यवस्था के लिए वो पूंजी बजट तैयार करता है। मतलब लंबे समय तक हमारे व्यवसाय में पूंजी बनी रहे उसके लिए वो पहले बजट तैयार करता है। बजट जानते हो, बजट का मतलब होता है आपके पास जो इनकम के स्रोत है उस इनकम के स्रोत में अपने व्यय को किस प्रकार खर्चा करेंगे उसके बारे में लेखा जोखा तैयार करना ही बजट कहलाता है। तो हमेशा एक दीर्घकालीन वित्तीय व्यवसाय के लिए पूंजी बजट तैयार करना जरूरी होता है और इसी के साथ इसमें जोखिम और अनिश्चितता का भी विश्लेषण किया जाता है। जोखिम का मतलब होता है जब हम किसी संस्था के लिए पूंजी की व्यवस्था करते हैं तो हम ये प्रयास करते हैं कि कम से कम ब्याज दर पर हमको वित्त व्यवस्था हो जाए। दूसरा चीज ये भी ध्यान दिया जाता है कि निश्चित ही हो, ऐसा ना हो कि हमने अनुमान लगाया और उससे हमको मतलब ये निश्चित नहीं है कि कितना हमें प्राप्त होगा। तो लाभांश के बाद पूंजी बजट की बात में हर व्यवसायी दीर्घकालीन वित्त व्यवसाय के लिए पूंजी बजट तैयार करता है और इसके लिए वो जोखिम के संबंध में और अनिश्चितता का भी विश्लेषण करके ये कार्य करता है। तो बजट तैयार करने के बाद हमारा जो छठवां पॉइंट है वो आता है तरलता बनाए रखना। ये व्यवसाय उद्देश्य यानी वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य का ये 6 नंबर पॉइंट है और इस पॉइंट में ये बात बताई गई है कि वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य फर्म की पूंजी संरचना कोष और धन का विनियोग
इस प्रकार हो कि तरलता बनी रहे तथा फर्म दायित्वों का भुगतान भी आसानी से कर सके। तो इस तरह से हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि व्यवसाय की तरलता बनाए रखने का कार्य भी वित्तीय प्रबंध का होता है, और इसमें ये चीज ध्यान दिया जाता है कि फर्म की पूंजी संरचना और कोषों या धन का विनियोग का तालमेल हमेशा बराबर बना रहे। ये हो गया आपका छठवां पॉइंट है कि वित्त व्यवसाय वित्त प्रबंध में तरलता यानी व्यवसाय में तरलता किस प्रकार बनेगी, इस बात का व्यवसाय ध्यान में रख के कार्य करता है। तो बच्चों, हम अभी जो भी मैंने आपको उद्देश्य बताया, इस उद्देश्य को एक बार फिर से मैं रिवीजन कर दूं। तो पहला क्या है, कोषों की व्यवस्था करना यानी व्यवसाय के लिए पूंजी की व्यवस्था करना। दूसरा है लाभों को अधिकतम करना, ये प्रयास करना। आजकल हर व्यवसाय चाहता है कि उसका व्यवसाय ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाए, तो वित्तीय प्रबंध के माध्यम से लाभों को अधिकतम किया जाता है। ऊंची जोखिम से बचाना, अधिक से अधिक जोखिम न हो, कम जोखिम हो, और ऊंची जोखिम से बचाने का कारण भी वित्तीय प्रबंध करता है। फिर लाभांश का भुगतान करना, जो भी लाभांश प्राप्त होते हैं उसका भुगतान करने का कार्य भी वित्तीय प्रबंध के माध्यम से किए जाते हैं। इसके बाद आता है पूंजी बजट तैयार करना। पूंजी बजट तैयार करने में मैंने बताया कि दीर्घकालीन एक फर्म जो है दीर्घकालीन पूंजी की व्यवस्था करना चाहता है, और उसके लिए वो पूंजी बजट तैयार करता है। इस तरह से तरलता बनाए रखना भी इसका 6 नंबर पॉइंट होता है, जिसके माध्यम से वित्त प्रबंध का उद्देश्य फर्म की पूंजी संरचना और कोषों या धन का विनियोग इस प्रकार करता है कि उसमें तरलता बने रहे। तो अब हम कुछ वित्तीय प्रबंध के कार्य, कौन कौन से कार्य हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा वित्तीय प्रबंध का, वित्तीय प्रबंध की परिभाषा और वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य। अब हम वित्तीय प्रबंध के कौन कौन से कार्य हैं उसको पढ़ने जा रहे हैं। पहला वित्तीय प्रबंध का कार्य है वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना। उद्देश्य में भी मैंने यही बताया था कि जो भी कंपनी की वित्तीय आवश्यकताएं हैं उसका कंपनी पहले अनुमान लगाती है, और फिर उसे किस प्रकार प्राप्त किया जाए उसे प्राप्त करती है। इस पॉइंट में भी यही कह रहा है कि वित्तीय आवश्यकताएं का पूर्वानुमान लगाना, अर्थात इसका महत्व सबसे अधिक होता है दो बातों पर होता है। और पूर्वानुमान वो किस प्रकार करती है, पहले वो स्थायी संपत्ति के लिए और दूसरा कार्यशील संपत्ति के लिए। स्थायी संपत्ति के लिए जैसे भूमि, भवन, फर्नीचर, मशीन आदि के लिए, और कार्यशील के लिए जैसे कच्चे सामग्री के रूप में। तो पहली वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान वो लगाती है दो प्रकार से, स्थायी संपत्ति के लिए और अस्थायी संपत्ति के लिए। दूसरा चीज इसका कार्य है पूंजी संरचना का निर्माण करना। वित्तीय प्रबंध का यह महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि हर व्यवसाय का वित्त जो होता है एक प्रकार से मनुष्य के जीवन में रक्त के समान कार्य करता है। जिस तरह से अगर रक्त नहीं है तो जीवन ही नहीं है, उसी तरह से व्यवसाय में अगर वित्त नहीं है, पैसा नहीं है, तो व्यवसाय भी समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर पूंजी संरचना का निर्माण है, पूंजी किस प्रकार प्राप्त होगा, किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, ये चीज वित्तीय प्रबंध का कार्य होता है।
और ये इस बात का चिंतन करता है कि आवश्यक पूंजी कहाँ से आएगी, पूंजी की वैकल्पिक साधन कौन कौन से हो सकते हैं, कहाँ से हम पूंजी को प्राप्त कर सकते हैं, इन सारों बातों का विश्लेषण करता है और फिर उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो अब जब तीसरा पॉइंट क्या होता है, पूंजी को प्राप्त करना, पूंजी को प्राप्त करना, ये जो है पूंजी को प्राप्त करना, तो ये वित्तीय प्रबंध का कारण है कि वो पूंजी को प्राप्त करे। जब उसे इस बात का पता चल जाता है कि हमें कहाँ से पूंजी प्राप्त होगी, किन स्रोतों के माध्यम से प्राप्त होगी, कितना प्राप्त होगी, ये सारे चीज की जानकारी जब उन्हें प्राप्त हो जाती है और प्राप्त कैसे किया जा सकता है, ये सारी बात इसके अंतर्गत आता है और फिर वो पूंजी को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद चौथा जो कार्य होता है वो है पूंजी का कुशलतम उपयोग। अब देखिए, जब हमको पूंजी प्राप्त हो गई तो हम उस पूंजी का उपयोग कैसे करेंगे, ये भी वित्त प्रबंध के माध्यम से किया जाता है। वित्त प्रबंध का एक ये कार्य बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है कि वित्त संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना है। इसके लिए वो विभिन्न प्रकार के बजट का निर्माण करते हैं। मैंने बजट के बारे में बताया कि कौन सा कार्य में कितना पैसा लगेगा, उससे कितना इनकम होगा, ये सारी चीज की जानकारी को पहले तैयार करना ही बजट का निर्माण कहलाता है। तो इसमें भी हमें जो पैसे प्राप्त हो गए हैं उसको हम किस तरह उपयोग करें जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो, तो ये वित्तीय प्रबंध का चौथा कार्य है। अब हम पांचवें कार्य की बात करें तो पांचवा कार्य है वित्त नियंत्रण। ये महत्वपूर्ण इसे भी माना गया है क्योंकि वित्त को नियंत्रित करना ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है। वित्तीय क्रियाओं पर प्रभावशाली नियंत्रण भी वित्त प्रबंध करने की आवश्यकता होती है। जो वे हो रहे हैं यानी जहाँ पर हम खर्चा कर रहे हैं वो हम बजट के अनुसार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर हमारा वो खर्चा बजट से बाहर जा रहा है तो हमें उसको नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है। नहीं तो अगर हम बजट से बाहर हमारा खर्चा चल जाएगा तो फिर आगे हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा जैसा हमने अनुमान लगाया है। तो ये भी देखना बहुत जरूरी होता है कि हमारे बजट के अनुरूप हमारा वित्तीय प्रबंध कार्य कर रहा है कि नहीं। तो ये हो गया वित्तीय नियंत्रण का कार्य करना। इसके बाद आता है अन्य विविध कार्य। इसके अलावा भी वित्तीय प्रबंध के और भी बहुत सारे दूसरे कार्य होते हैं, जैसे रोकड़ आगमन, रोकड़ निर्गमन, समायोजन करना, प्रबंध का विकास और विस्तार करना, पूंजी की व्यवस्था करना, करों की समस्या का समाधान करना। जैसे भाई वित्तीय जो फर्म है हर वर्ष कर आदि भी करनी पड़ती है, कर देना पड़ता है, तो उसके लिए भी व्यवस्था करना वित्त का ही कार्य होता है। इस तरह से बहुत सारे और दूसरे कार्य भी हैं जो वित्त प्रबंध में किए जाते हैं। तो एक बार अगर हम फिर से इस बात को ध्यान दें तो प्रबंध के कार्य में पहला है वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना, दूसरा है पूंजी संरचना का निर्माण करना, तीसरा है पूंजी को प्राप्त करना, चौथा है पूंजी का कुशलतम उपयोग, और पांचवा हमारा है वित्त का नियंत्रण यानी वित्त को हम नियंत्रित करें। और अन्य विविध कार्य में रोकड़ को कैसे प्राप्त करना है, रोकड़ प्रवाह की जानकारी, विकास और विस्तार करना, पूंजी की व्यवस्था करना, बहुत सारी बातें। अब इससे संबंधित मैं कुछ प्रश्न भी दे रहा हूँ,
पहला प्रश्न है आपका वित्त प्रबंध का अर्थ। वित्त प्रबंध का अर्थ लिखें। दूसरा प्रश्न है बच्चों आपका वित्त प्रबंध के वित्तीय प्रबंध के चार उद्देश्य लिखें और तीसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर थर्ड है वित्तीय प्रबंध के कार्य लिखें। वित्तीय नियंत्रण सॉरी पहला प्रश्न है आपका वित्तीय प्रबंध का अर्थ लिखें। वित्तीय प्रबंध के चार उद्देश्य लिखें और वित्तीय प्रबंध के कार्य लिखें।